जदयू के झारखंड युवा प्रदेश अध्यक्ष सह ट्रांसपोर्टर मयंक सिंह के हाथों प्रतिबंधित AK-47 से फायरिंग का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, यह संगीन वीडियो झारखंड बिहार में चर्चा का विषय है, साथ ही झारखंड व बिहार पुलिस की निगरानी में भी है। खास बात यह है कि मयंक सिंह बोकारो के चास थाना क्षेत्र में निवास करते हैं, यहीं रहकर अपना व्यावसायिक व राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। विगत एक वर्ष पूर्व जिले में इनके राजनीतिक उठापटक की चर्चा भी जोर शोर से हुई थी। फिलहाल वे वेदांता इलेक्ट्रोस्टील से माल ट्रांसपोर्टिंग पतरातू व आसपास के क्षेत्र में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जदयू युवा प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले ये बीजेपी में युवा बोकारो जिला अध्यक्ष थे। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के बाद उन्होंने व्यवसाय का विस्तार और राजनीतिक पहचान बनाने के लिए जदयू का दामन थाम लिया। इसी बीच वीडियो वायरल होने से जिले भर में इनकी गतिविधियों का चर्चा जोर शोर से होने लगा है, जिसके बाद बोकारो पुलिस भी हरकत में आ गई। AK-47 से फायरिंग करने वाली वीडियो बोकारो SP चंदन कुमार झा के संज्ञान में आई, जिसकी जांच का जिम्मा चास SDPO को सौंप दिया गया और उसके चास स्थित घर में छापेमारी भी की जा रही है। वहीं SP बोकारो ने बताया कि वीडियो कहीं का भी हो सकता है, अभी का है या पुराना वीडियो है यह जाँच का विषय है और तकनीकी तौर पर इसका सत्यापन किया जा रहा है। जांच में जो रिपोर्ट आएगा उसे वेरीफाई करके अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। अगर AK-47 से व्यवसायी मयंक सिंह ने बोकारो में फायरिंग की है तो उसके खिलाफ बोकारो पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी। वहीं इस वायरल वीडियो पर मयंक सिंह के घर वालों ने भी सफाई देते हुए कहा कि अमित सिंह नामक व्यक्ति जो पूर्व में हत्या कर चुका है, वह बिहार में मुखिया भी है, उसके द्वारा बार बार मुझसे रंगदारी मांगी जा रही थी जो नहीं देने पर मेरे छोटे बेटे की पिटाई की गई, जिसके खिलाफ पतरातू थाना में हमने केस दर्ज किया है और उसी केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, नहीं तो वीडियो वायरल कर देने की धमकी दी जा रही थी। वीडियो में क्या सच है क्या नहीं, यह तो जांच का विषय है। जांच हो जाएगी तो सच खुद ब खुद सामने आएगा। जो कि पिछले दो तीन दिनों से वायरल हो रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो हमारे संज्ञान में भी आया है, इसमें एक व्यक्ति जो है एक वेपन को यूज कर रहा है और दो राउंड फायरिंग की गई है। वो कहाँ का इंसिडेंट है, किस जगह का है, कब का है, वो वीडियो देख के तो क्लियर नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को प्रिलिमिनरी वेरीफाई करने के लिए, चूँकि वो जो व्यक्ति उस वीडियो में है वो बोकारो का रहने वाला है, अधिकतर लोग का कहना है कि ये वीडियो जो है 2-3 साल पुराना है, बिहार का है, कुछ लोग बोल रहे हैं किसी और जगह का है, तो एक प्रिलिमिनरी जांच के लिए SDPO चास को बोला गया है, जो उसको वेरीफाई करके हम लोग को रिपोर्ट देंगे। अगर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ज्यूरिसडिक्शन का होगा तो इसमें हम लोग अफर्तर कार्रवाई करेंगे। बाकी एक नेता, मुझे लगता है जो आप पूछ रहे हैं मैं उस चीज़ का आंसर दे चुका हूं, क्योंकि नेता हो या कोई और भी हो, किसी के पास भी इस तरह का वेपन आना बहुत ही गंभीर विषय है। अब लेकिन जब तक बिना हम वेरीफाई भी नहीं कर लें तो आगे कुछ कहना सही नहीं है। बस आप ये एश्योर रहिए, अगर हम लोग इसमें वेरीफाई करके पाएंगे कि अगर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा ऑफेंस हुआ है तो हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। केस उठाने और वीडियो वायरल का क्या मामला है? सर 23 तारीख को हमारे लड़के के साथ पतरातू में घटना हुआ, उसके बाद हम लोगों ने त्वरित कार्य करते हुए पतरातू थाना में केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद से हमको तुरंत दबाव आने लगा कि आप तुरंत केस हटा लीजिए नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। कौन बोला? ये अमित सिंह मुखिया, और नहीं तो वीडियो वायरल करेंगे और नहीं तो दो में से एक ही बचेगा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा और आपको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उस दिन से सर हम घर में बंद हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, और भाई कब क्या कर देगा उसका तो कोई ठीक नहीं। हो तो पूर्व में ही उसका इतिहास यही है कि वो हत्या करता है तो हत्या कर देगा, और मेरे बेटे का भी उस दिन संजोग अच्छा था कि मेरा बेटा बच गया, नहीं तो उसको उठा के बिहार लेके जा रहा था मेरी ही गाड़ी से। अब मेरा पुलिस से आग्रह है, विनती है कि मुझे मदद किया जाए, मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए और मेरे जान माल की हिफाजत की जाए। वीडियो क्या है जो 47 वाला? 47 वाला वो AK-56 है कि 46 है कि 45 है, हमको क्या मालूम है, ये तो जांच का विषय है सर, जांच किया जाए और जो भी अगर गलत है उसको उसका पूरा पनिशमेंट दिया जाए, दिक्कत क्या है।